पिंपल्स 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 क्योर कांति लेप विज्ञापन करें तो मुझे ऐसा लगता है 500 से 1000 करोड़ रुपए का ब्रांड हो सकता है कांति लेप मात्र। कांति लेप इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, आई डोंट नो बिकॉज यू हैव टू फिक्स द फर्स्ट स्टमक, स्टमक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पिंपल्स आल्सो, दैट्स व्हाट बलराम इज सेइंग। कांति लेप लगाने मात्र से ये ऊपर वाला तो ठीक हो जाता है, कितने भयंकर पिंपल्स। वैसे सामान्य पिंपल्स की लग देखो पिंपल्स की बात आ गया, भाई एक बात में से बात निकलती जाती है, तो इसलिए मैं आपको ये बात बताता जाऊं क्योंकि विज्ञान है तो पूरा। पिंपल्स सामान्य पिंपल्स के लिए एलोवेरा फॉर पिंपल्स कांति लेप, तीन दिन में सामान्य पिंपल्स एलोवेरा। यदि लीवर बहुत ज्यादा खराब ना हो तो एलोवेरा जूस भी पिला दो, एलोवेरा जेल लगा दो, कितने ही भयंकर पिंपल हो 100% खत्म हो जाएंगे। ग्रेट ब्यूटीफुल एलोवेरा जेल लगाने, बबू नीड्स टू डू इट। विशेष पिंपल है तो एलोवेरा जूस पीने और एलोवेरा जेल लगाने से, क्यों? एक्सलेंट, ग्रेट। प्रकृति बहुत ज्यादा है, शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लीवर कमजोर है, ग्रेट। आजकल सारी साइंस इसके ऊपर एक मत है, मॉडर्न मेडिकल साइंस कि पिंपल्स का कारण लीवर है, पिंपल्स का कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस अब इसमें ब्रेन की भी भूमिका आ रही है। Right, लेकिन right. सामान्य पिंपल्स एलोवेरा जेल लगाने से, विशेष पिंपल एलोवेरा जेल लगाने और एलोवेरा जेल जूस पीने से, और ज्यादा बहुत ही ज्यादा किसी किसी को तो इतने मुंह पूरा भर जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है भाइयों का भी, बहुत धनों का भी, और किसी किसी तो फिर हो जाते हैं, किसी के फिर फोड़ते रहते हैं, यहाँ से पिचकारी मारी दो फिर दूर जाते हैं, उधर दबाया इधर दबाया, बहुत बुरी हालत रहती है। तो उसको कांति लेप लगाओ, कांति लेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा विकृत हो गया है तो उसको फिर कायाकल्प क्वाथ पिलाओ, कायाकल्प क्वाथ, कायाकल्प गोटी भी दो। ग्रेट, देखो पिंपल्स की बात बता रहा हूँ, इसमें कितनी चीजें आ रही है, इसमें लीवर को भी ठीक करना पड़ रहा है, ब्लड के अंदर कुछ टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, हार्मोन्स की विकृति हो जाती है, स्ट्रेस से होता है, स्ट्रेस, लीवर, एसिडिटी और फिर स्किन। अब चार चीजों को एक साथ ठीक करना है आपको, फोर थिंग्स हैव टू बी मस्तिष्क शांत रहे, स्ट्रेस ना हो, इसलिए अनुलोम विलोम बताइए, कपाल लीवर ठीक रहे इसलिए कपाल बात, एसिडिटी ना हो इसके लिए उसको एलोवेरा जूस बताइए, एलोवेरा जूस, शरीर में गर्मी ना रहे इसलिए उसको बोले पानी ज्यादा पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, और उसको बोले खान पान में थोड़े दिन अब नमक मीठा और तीखा, क्या बोला, नमक मीठा और तीखा छोड़ना है, मीठा है ना, वैसे तो तीन वाइट पोजन माने जाते हैं, मैदा, शुगर, चीनी, शुगर, सॉल्ट एंड मैदा, थ्री डेंजरस थिंग्स इन लाइफ। ये अपने हिंदू धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, वो भी ऐसा मानते हैं, लेकिन उल्टा चल रहा है सब जगह। ऑल द थ्री प्लेसेस इट्स डेंजरस, यू नो, इन इस्लाम, इन क्रिश्चियनिटी एंड। मैं भी अजरबैजान में गया तो वहां बोले जी हमारे यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ऐसा बोला है कि तीन वाइट पॉइजन है, और मैंने कहा देखो ये तो एक ही जैसी फिलोसफी है। अजरबैजान वाले जिनको आयुर्वेद का कुछ भी नहीं पता वो बता रहे मेरे, वहाँ का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन कमालुद्दीन। तो आपको ठीक करना है किसको, पानी उसको ठीक मात्रा में पीना चाहिए, हो सके तो उसको अंकुरित लेना चाहिए, उसको शाक सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए कुछ दिन तक, उसको हो सकता है किसी किसी को खाने पीने की आदतें बहुत खराब है, तो उसको बोले मैं थोड़े दिन तक आप ये गोलगप्पे समोसे बंद कर ले, स्टॉप टेकिंग ऑल दीस थिंग्स, थोड़े दिन इज ऑल वेरी डर्टी एंड देयर विल बी 100% पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। अब बताओ, अब जैसे मुझे एसिडिटी तो नहीं है, this is complete mere ko bhi cure of pimples, 15 se 20 saal ki umar mein bahut hota
और अब देखो मेरा स्ट्रेस लेवल भी ठीक है, मेरी एसिडिटी का लेवल भी ठीक है, मेरा पेट भी ठीक है, और मैं तीखी तली भी कोई चीज़ें भी नहीं खाता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी पिंपल्स अभी भी हो जाते हैं। कब? यदि मैं गुड़ ज़्यादा खा लूँ, गुड़ 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 इज वेरी डेंजरस गर्मी से, यदि मैं मूंगफली या काजू खा लूँ, मूंगफली वो के खाओ तो दिक्कत नहीं करती, मूंगफली काजू, काजू तो दिक्कत करता ही करता है, काजू और मूंगफली खा लूँ, यदि मैं बहुत ज्यादा आम खा अखरोट लगाकर आम और दूध एक पीसा को भी दूध यदि आम अखरोट गुड मैंने लगातार यदि आम मूंगफली गुड़ खाऊं मूंगफली या काजू काजू दे कैन क्रिएट हॉरिबल पिंपल्स अभी भी पिंपल के। लेकिन मैंने देखा ग्रेट फ्लॉस लेवल ठीक है, एसिडिटी नहीं है, पेट ठीक है, तो यदि किसी कारण से थोड़ा हो गया तो मैं एलोवेरा जेल लगा देता हूँ, 3 दिन में पिंपल्स बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा सा उठा पता लग जाता है, हल्का सा ऐसे वो पेन सा होता है, हल्का सा ऐसा महसूस होता है कि कुछ उठ रहा है तुलसी, तो उठने से पहले एलोवेरा जेल लगा तो वहीं दब जाती है। ग्रेट व्यूड, वो फिर वो पस पुस बनने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बता कितनी अच्छी बात है।